हेलो ब्रोन, गुड मॉर्निंग। मास अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे मतलब आज का जो चैप्टर लेकर आया हूँ CHSR एग्जाम का जो पार्ट 10 है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मास अकेडमी चैनल है जो यहाँ पे दिखाया गया है, मास अकेडमी चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर चैनल अच्छा लगे तो आप सबको पढ़ाई में अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा। अगर वो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? आपका आज का पहला जो क्वेश्चन है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है मृदु जल, संक्रमित जल, खारा जल, भारी जल। इसमें आपको चेस करना है कौन सा आंसर इसमें आपका राइट होगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा खारा जल। खारा जल जो होता है वो जल को साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है, तो ये आपका खारा जल इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, चेक करिए आपका कौन सा आंसर राइट होगा, इसमें से सेलेक्ट करिए। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, 1924 को महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ऑप्शन इसमें आपका फोर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, ऑप्शन है आपका इलाहाबाद में, कानपुर में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो स्थित है वो हैदराबाद में है, तो आपका राइट आंसर फोर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए SSC का तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म पर धर्म और किस पर आधारित है? गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डॉट डॉट पर आधारित है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर जो इसमें राइट होगा आपको यहाँ पे भरना है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा, नंबर सेकेंड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी का अर्थशास्त्र और धर्म धर्म और अहिंसा पर आधारित था। अर्थशास्त्र जो था धर्म और अहिंसा पर आधारित था महात्मा गांधी का, तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है, विकास के लिए आर्थिक डॉट डॉट यहां पे भरना है आपको आवश्यक होती है, आपका ऑप्शन है सक्षमता, बहुलता, विविधता, आत्मनिर्भरता, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर में, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड में, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर आत्मनिर्भरता, जो विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, सेलेक्ट करिए कौन सा राइट होगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जो थे भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है स्वार्थी, मतलबी, परामर्थी, परमार्थी, स्वार्थी, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे कहा जाता है मतलबी, आपका सेकंड जो हो जाएगा आपका आंसर राइट हो जाएगा मतलबी, इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? जो मुगल काल में पुलिस बल को मुखिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, ऑप्शन इसमें आपका जो है सूबेदार, कुतवाल, दरोगा, फौजदार, इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मुगल काल में पुलिस बल को मुखिया को कहा जाता था कुतवाल, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है,
तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो निम्नलिखित में से कौन सा संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है, तो भारतीय कोबरा जो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो भारतीय कोबरा है वो बहुत ही तीव्रता से काटता है, अधिक तीव्रता से काटता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? स्क्रीन पे आपके ऑप्शन है, सेलेक्ट करिए कौन सा आंसर राइट होगा। तो जो प्राचीनतम वेद है वो सबसे पुराना जो प्राचीनतम वेद है वो ऋग्वेद है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था कितने वर्ष कितने दिन में, मतलब भारत का वर्ष में कितने वर्ष में लिखा गया था भारत का संविधान? जो आपका ऑप्शन है, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, या 3 वर्षों में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, 11, 8, 9, 10। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 11। भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।